अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परहीन कुकिंग फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मज़ेदार और बहुत ही आसान तरबूज का शरबत बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम मेहनत में ये शरबत बन जाता है और ये इतना रिफ़्रेशिंग है कि आप जब इसे पियेंगे तो आपकी रूह भी तरोताज़ा हो जाएगी। तो फिर चलिए ये मज़ेदार और बहुत ही आसान ये तरबूज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने एक तरबूज लिया है तो इसको हमें काट लेना है और इसमें जो देखिए बीज नज़र आ रहे हैं इसे हमें रिमूव कर लेना है। तो सारे बीज तो निकालना नामुमकिन है, लेकिन जितने हो सकेंगे उतने हम निकाल लेंगे। तो इस तरह हम इसमें पतले पतले कट्स लगा लेंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ही बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। तो आज जो शरबत हम बना रहे हैं उसमें तरबूज के बारीक बारीक क्यूब्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए आप इसे जितना हो सके उतना बारीक क्यूब्स में आप इसे काट लें। तो ये तरबूज को मैंने बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अभी देखिए इसमें जो थोड़े बहुत बीज नज़र आ रहे हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे, जितने हम निकाल सकते हैं उतने निकाल लेंगे। और तरबूज की जो क्वांटिटी होगी वो 2 कप होगी, तो 2 कप जितना तरबूज आपको काट लेना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो ये मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमें शरबत बनाना है, तो इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे जो कि 1 लीटर होगा। ये 1 लीटर ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ये 1/3 कप पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पीसी हुई शक्कर का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पानी जो है वो ठंडा है और ठंडे पानी में जो शक्कर के दाने हैं वो जल्दी घुलेंगे नहीं, इसलिए हम इसमें पाउडर शुगर ही यूज़ करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसमें पाउडर शुगर ही डालनी है। और फिर इसके बाद हम इसमें ये 80 ml के करीब यानी कि 1/3 कप हम इसमें ऐड कर देंगे रू अफज़ा और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको इसमें रूह अफज़ा कम लग रहा है या फिर इसका जो कलर है वो लाइट लग रहा है तो फिर इसमें आप रूह अफज़ा और भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ये तरबूज भी ऐड कर देंगे 2 कप जो हमने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। तो इसी के साथ ही हम इसमें ये बर्फ़ भी ऐड कर देंगे यानी कि आइस क्यूब हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर बस हमारा ये शरबत बनकर तैयार है। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है, कितनी आसानी से हमने इसे बना कर रख लिया है। तो ये शरबत बनकर तैयार होने के बाद आपको इसे इंस्टेंटली सर्व कर लेना है। अगर आपको इसे सर्व करने में टाइम है तो फिर आप इसमें बर्फ़ जो है वो बाद में ऐड करें, तो जब आपको इसे सर्व करना हो तभी आपको इसमें बर्फ़ ऐड करना होगा। तो ये ग्लास मैंने एक ले लिया है इसे सर्व करने के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो ये मैंने 3 क्यूब्स इसमें ऐड कर दिए हैं बर्फ़ के और फिर इसमें हम ये शरबत डालेंगे। तो ये जो शरबत है ये काफ़ी मज़ेदार बनता है और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी है। तो ये हमारा तरबूज का शरबत बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को मेरे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।